अवैसी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। अवैसी की धर्म वाली राजनीति। अवैसी लगा पाएंगे कांग्रेस वोट में सेंधमारी। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। आज आप गेस कीजिए किस पर चर्चा है, बताइए, थोड़ा सा सोचिए। अच्छा, क्या कह रहे, विधानसभा चुनाव जो इसी महीने में है। हाँ बिल्कुल सही, विधानसभा चुनाव पर ही चर्चा है। लेकिन एक राजनेता, खास तौर पर ये जो चर्चा है एक नेता या राजनेता पर केंद्रित है। थोड़ा आपको हिंट भी दे देते हैं, वो नेता आते हैं यहाँ, क्या बोलते हैं, हैदराबाद से, वहाँ भी चुनाव है, तेलंगाना। लेकिन वो आजकल राजस्थान में पर्यटन कर रहे हैं, राजनीतिक पर्यटन कर रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, चौराहे चौराहे जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। अब मांग रहे हैं, काट रहे हैं, वो तो परिणाम बताएंगे। गुजरात में भी मांगे थे, बिहार में भी मांगे थे। कुछ लोग ना पता है कैसे होते दर्शकों, कि उनका खुद का फायदा तो हो नहीं रहा होता, दूसरों को भी नुकसान कर देते। वो वाला आपने मुहावरा सुना होगा, हालांकि मैं बहुत बढ़िया मुहावरा नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, कुछ ऐसा है ना मुहावरा। वही हाल है इन नेताजी का, संगठन है नहीं। संगठन एकदम से पैदा हो जाता है चुनावों के समय पे, कुछ खास समुदाय के लोगों को एक साथ लेकर ये संगठन बनता है। चुनावों में बहुत हो हल्ला होता है, किसी किसी चुनाव में तो गोली भी चल जाती है, फिर एक बढ़िया राजनीतिक स्टंट बयानबाजी होती है, चुनाव खत्म होते हैं, परिणाम आते हैं, कहीं ये 5-6 विधानसभा सीट जीत जाते हैं, तो बाद में कुछ दिनों बाद उनके विधायक, जिनकी ज़्यादा विधानसभा सीट होती है, जो ताकतवर दल है, उसमें शामिल हो जाते हैं, नहीं तो कहीं कहीं तो सीट ही नहीं निकलती। लेकिन ये काम अच्छा कर देते हैं वोट काटने का, शायद ऐसा लोग बोलते हैं, मतलब जो दूसरे राजनीतिक दल है ना, ऐसा जो अपने आप को अल्पसंख्यक समुदाय का माई बाप बताते हैं या संरक्षक बताते हैं, उन लोगों का ऐसा कहना, हम तो कह नहीं रहे। कोई इनको बी टीम कहता है, कोई सी टीम कहता है, कोई संसद में भी शायद से माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि ओवैसी जी आप किसी दल में मत रहिए। अरे हमने नाम दे दिया, समझ गए ना अब आप, असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे हैं। हाँ तो ओवैसी जी आप किसी दल में नहीं रहिए, आपकी विचारधारा कहीं नहीं मैच करती, आप अपना एक अलग ही बना लीजिए गठबंधन। अब इनके साथ आएगा कौन, एक जिले की पार्टी है शायद, या दो राज्य की कह लीजिए, दो जगह हैं इनके सांसद। एक जलील साहब है, साउथ एवेन्यू में ही कोठी है उनकी, खाली रहती है, दिल्ली आते भी हैं, कब आते, तभी चमकती है जब शायद संसद का शीतकालीन सत्र या मानसून सत्र या बजट सत्र चलता है, वो भी एक दो दिन के लिए। अच्छा मुझे कैसे पता, मैं जाता रहता हूँ ना, आज अब पत्रकार हैं तो जाते रहते हैं, वहाँ पे बहुत नेताओं की कोठी है। हाँ तो नॉर्थ एवेन्यू में संजय सिंह की कोठी, आपको पता है। लेकिन हम बात क्यों कर रहे हैं ओवैसी जी की, बताते हैं आपको। ओवैसी जी अभी राजस्थान में राजनीतिक पर्यटन कर रहे हैं। अच्छा संजय सिंह का जिक्र इसलिए किया क्योंकि आप लोगों को क्यूरियोसिटी ना हो जाए कि संजय सिंह का भी आज वो जो जमानत के लिए वो राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा ना हमको तो आप बेईमानी लग रहे हैं, अभी थोड़े दिन और तो बिताइए तिहाड़ में, तो इसलिए जिक्र कर दिया कि संजय सिंह का भी कहाँ ठिकाना है पता चल जाए। हाँ तो अब मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दा ये है दोस्तों कि अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब राजस्थान में राजनीतिक पर्यटन कर रहे हैं, कुछ दिन में मध्य प्रदेश में भी दिखेंगे। इसमें भी कोई अतिशयोक्ति ना हो कि कुछ दिन में वो छत्तीसगढ़ भी दिख जाए, करना क्या, एक गली मोहल्ला के कुछ लोगों को इकट्ठा करना है और बस खुद आगे आगे माइक पकड़ के चलना है, पीछे पीछे चल ही रहे हैं लोग, हो रहा है चुनाव प्रचार, बढ़िया रैली हो रही है, देश लोकतांत्रिक है और यही देश की खूबसूरती भी है, सभी को अपने बात का को कहने का हक मिलना चाहिए और कहते भी हैं। तो मेरे ख्याल से तो आपातकाल, अघोषित आपातकाल तो नहीं है विपक्ष का। चलिए एक और मुद्दा क्लियर कर दिया मैंने कि विपक्ष जो बोलता रहता है अघोषित आपातकाल है, लेकिन वो तो नहीं है अगर आप आराम से चुनाव प्रचार कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ओवैसी साहब पहुंचे राजस्थान चुनाव प्रचार करने, बैरिस्टर हैं
लेकिन बात क्या करते हैं, बात करते हैं नासिर और जुनैद की, बात करते हैं कन्हैया लाल की, यानी मौतों पर राजनीति करते हैं। बैरिस्टर का तो काम होता है कि जिसकी मौत हो गई उसको न्याय दिलाएं, लेकिन मेरे को ध्यान में नहीं पड़ता कि नासिर और जुनैद को न्याय दिलाने के लिए ओवैसी साहब या उनके दल का कोई व्यक्ति या उनके दल के द्वारा स्पॉन्सर्ड कोई वकील, प्रायोजित कोई वकील, राजनीतिक शब्द हो जाएगा संसदीय मर्यादा में रहते हुए, प्रायोजित अच्छा शब्द है, वकील नासिर और जुनैद का केस लड़ने गया हो। अब गया होगा तो पब्लिक डोमेन में तो नहीं आया, गया होगा तो बेहतर बात है। तो ओवैसी साहब जाते हैं राजस्थान और कहते हैं कि अशोक गहलोत सरकार ने कन्हैया लाल की मौत पर 50 लाख का जुर्म वो दिया हरजाना, और नासिर और जुनैद की मौत पर 5-5 लाख का। अब ओवैसी साहब ये बताइए आप, मौत पर राजनीति होती है क्या? वो भी उस देश में जो अपने अमृत काल में है, जो विकासशील से विकसित होने के लिए बहुत मजबूती से संघर्षरत है, उस देश के चुनावों में, राज्य के चुनावों में आप मौत पर राजनीति कर रहे हैं, शोभा देता है आपके पद को, आपकी बैरिस्टर की डिग्री को, आपकी शख्सियत को? आपको तो बताना चाहिए कि मुसलमान और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे, ऐसा नितिन गडकरी साहब ने कहा था एक इंटरव्यू में कि पान वाला, पंचर वाला, माल ढुलाई वाला, ये दीवार बनाने वाला ही क्यों बनते हैं? उनका हक नहीं है क्या वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पत्रकार बने, विवेकशील बने? ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, विवेकशील बने, है ना? फिर अगर विवेकशील होंगे तो फिर दोबारा कभी कन्हैया लाल नहीं होगा, मानते हैं ना आप ओवैसी साहब? लेकिन आप जाकर राजनीति कर रहे हैं मौतों पर, मौतों पर मिलने वाले मुआवजे पर, ये कहीं से न्याय संगत नहीं लगता। एक पत्रकार होने के नाते आप लोग मुझसे पूछे तो ना, बिल्कुल न्याय संगत नहीं लगता। क्या कहा और कहाँ कहा वो मैं आपको कोट करता हूँ। सवाई माधोपुर, जगह का नाम है सवाई माधोपुर, जिला मुख्यालय के आलनपुर स्थित एक मैरिज गार्डन में आयोजित। अब शादी के गार्डन में भी आप मौत की बात कर रहे हैं, अच्छा जगह तो देख लेते कि जनसभा कहाँ हो रही है, शादी के गार्डन में, वहाँ भी मौत की बात, वहाँ तो खुशी की शहनाई बज रही है, बजती है। खैर आपकी जनसभा है तो बज तो रही नहीं होगी, बजती होगी तो वहाँ पे आप मौत की बात करने लग गए। आयोजित जनसभा के दौरान ओवैसी ने भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही पार्टियां नहीं चाहती कि अल्पसंख्यक समाज आगे बढ़े। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि हमने यहाँ एक समिति बनाई, हमने विशेषज्ञों को बुलाया और उनसे पूछा कि राजस्थान के मुसलमान कैसे हैं, विकास में उनकी भागीदारी कितनी है। जवाब यह मिला, इसे लेकर उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी। जवाब बता रहा हूँ। ओवैसी ने आगे कहा कि मैंने वो रिपोर्ट राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यालय को भेजी, बहुत बढ़िया किया। उनकी जो तथाकथित निजी रिपोर्ट है, जो निजी विशेषज्ञों द्वारा कराई गई, 60% मुस्लिम बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं, प्राइमरी से हाई स्कूल तक के छोड़ने की दर, प्राइमरी से हाई स्कूल में पढ़ाई छोड़ने की दर सबसे अधिक मुस्लिम समुदाय में है। और आपने कांग्रेस को मौका दिया और अशोक गहलोत को CM बनाया, लेकिन वह हर मोर्चे पर विफल रहे। अब ओवैसी साहब तनिक इतना बताइए कि किसी बालक को घर से पकड़ के तो लाया नहीं जा सकता, पढ़ाई वह खुद करेगा। सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाएं दी है तो कोई बीमारी होगी तो इलाज कराने वह खुद जाएगा। क्या क्या चाहते हैं? ड्रोन लगाते पूरे राज्य में, वो ढूंढता रहे कि मुस्लिम का बच्चा एनीमिया से पीड़ित कहाँ है, शिक्षा में शिक्षा पढ़ाई कहाँ छोड़ दे रहा है, वहाँ से उसको उठाए स्कूल ले जाए, अस्पताल ले जाए। ऐसा तो नहीं होता है ना, हैदराबाद में भी नहीं होता होगा, बिरयानी वहाँ की बहुत प्रसिद्ध है,
लेकिन हैदराबाद में भी ऐसा नहीं होता होगा कि आज बिरयानी सोच रहे बिरयानी खाएंगे, जेब में पैसा नहीं है तो बढ़िया बिरयानी किसी दुकान से ड्रोन से पिक करके उनको दे दी कि खाओ, नहीं ना। और तेलंगाना की कल मैं बात करूंगा, बताऊंगा आप ही जिस जिले के का नेतृत्व करते हैं वहाँ की स्थिति क्या है, फिर आपसे पूछूंगा, है ना। लेकिन राजस्थान में आप राजनीति कीजिए, लेकिन मौत पर राजनीति करेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा और आपका जो पारिवारिक लेगेसी है वहाँ भी मौत का बहुत खून खराबा है, लेकिन उस लेगेसी को बचाए रखिए और बैरिस्टर के पद की गरिमा रखिए, साथ में आप संसद के सदस्य हैं, संवैधानिक पद पर है, तो मौत की राजनीति मत कीजिए, विकास का ब्लूप्रिंट पेश कीजिए और उसके नाम पर वोट मांगिए। जनता अगर आपको वोट देती है, आपका कोई नेता मुख्यमंत्री बनता है तो हम भी स्वागत करेंगे, लेकिन मौत की राजनीति करना कहीं ना कहीं इस देश को रसातल में ले जाता है, इस लोकतंत्र को शर्मिंदा करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप तक ये मेरा पहुंचेगा वीडियो, तो आप जरूर इस बात का ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।